गीत, तुम्हारा खाना। मैं अभी खाऊंगी कैसे, हाथों में तो मेहंदी लगी है। हाँ तो पागल लड़की, तुझे कौन खिलाएगा, खुद खाओ। अरे माँ, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। हाँ, अरे ये बात तो सही कह रही है, उसके हाथों में मेहंदी लगी है तो वो खाएगी कैसे। रुको, मैं खिलाता हूँ। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे माँ खिला देगी। खिलाइए। अरे हाँ माँ, ये इतनी देर से रो रही है, खिला दीजिए ना आप इसे। हाँ लेकिन अभी मुझे बहुत काम है, शादी का घर है, और अभी कैसे बैठ के खिलाऊं इसे मैं। एक काम करो, सुनो मलिका, तुम खिला दो इसे। हाँ हाँ, तो फिर ठीक है दीदी, मैं खिला देती हूँ। नहीं, मुझे मेरी माँ ही खिलाएंगी। अब ये क्या, छोटी बच्ची, चलो माँ ही खिला देगी। दो। हेलो, अरे कितनी बार बोला अभी मत करो, मैंने बोला था ना कॉल मत करना। हाँ, किससे बात कर रही थी? पूछ रहा हूँ किससे बात कर रही थी। प्यार, हाँ, प्रेमी से? यहाँ बेटी फोन पे लगी है और वहाँ माँ सज धज के घूम रही है, बेटी की ओर कोई ध्यान ही नहीं। कौन कौन है ये लड़का? संगीत की शादी में जिससे बात कर रही थी, वही है ना? वही है ना, बोल। हाँ, नहीं, बता। नहीं, हाँ? वो नहीं है, वो तो बदल गया। बदल गया मतलब? बदल गया मतलब क्या, कौन है ये फिर? मतलब ये कोई दूसरा लड़का है। दूसरा लड़का? दूसरा लड़का मतलब? ए, 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 बता बता बता, ए कहाँ भाग रही है, रुक 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 रुक, बता पहले, ए इधर इधर बता मुझे। अरे गिर जाओगी, अरे आराम से, अरे अरे अरे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुको रुको रुको, एक फोटो खींचनी है सबकी, चलिए। हाँ चलो 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 जाओ। अरे सबको साथ में लेकर आओ जमुना। अरे सब लोग चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो सब लोग कैमरे की ओर, इधर पास में आओ ना। हाँ हाँ, स्माइल। एक मिनट एक मिनट रुको। हाँ अरे तुम जल्दी आओ इधर, ठीक है, आ जाओ। 1 2 3 स्माइल स्माइल, एक और 1 2 3 स्माइल। यस, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ वेद, तुम्हारी बड़ी बुआ, नहीं नहीं, तुम्हारी होने वाली बुआ सास। हाँ बोलिए। तो वेद, 2 दिनों के बाद तुम हमारे घर के दामाद बनने जा रहे हो, है ना? हाँ जी। मैं ये कह रही थी कि तुम्हारे वहाँ पर सारा इंतजाम हो चुका है? हाँ लगभग यहाँ सारा इंतजाम हो गया है। वाह बहुत बढ़िया, तो गिफ्ट सब, साड़ी कपड़े, ये सब कुछ खरीद लिया है ना तुमने? जी सब ले लिया। अच्छा वेद, रिसेप्शन कहाँ हो रहा है? वो तो पार्टी हॉल में हो रहा है। तो फिर उसके बाद हमारी गीत तुम्हारे घर में जाएगी, यही ना? हाँ, गीत को पहले हमारे गांव वाले घर जाना होगा। गीत को गांव जाना होगा। अच्छा वेद, मैंने सुना है तुम्हारी बुआ दादी वो बहुत बहुत सख्त हैं। हाँ पर हुआ क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ। अच्छा तुम्हारी बुआ दादी जानती हैं कि हमारे घर की बेटी गीत कभी कभी डिस्को जाती थी, हमारे घर की लड़की कभी कभी आधी रात को लॉन्ग ड्राइव पर जाती थी, गीत कभी कभी अपनी लाइफ बेहिसाबी से एंजॉय करती है। क्या ये तुम्हारी बुआ दादी जानती हैं? आप कहना क्या चाहती हैं? नहीं मैं बोल रही हूँ कि तुमने तो कुछ नहीं बोला ना, छुपा लिया, लेकिन हमारे घर की लड़की है, हम तो उसकी बुराई नहीं कर सकते हैं ना। तुमने बातें छिपाई, केदार राय ने भी छिपाई, और अब अगर बुआ दादी को इस बारे में कुछ पता चलेगा तो। बुआ आप कहना क्या चाहती हैं?
मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर उन्हें पता चलेगा कि इस घर की बहू, हम सब की लाडली बहू जमुना, असल में गंगा दास की बेटी जमुना दास है, अगर उन्हें पता चला कि वो ढोल बजाती है, अगर उन्हें पता चले कि वो मजदूर का काम करती थी, और अगर उन्हें पता चले कि वो वंश परंपरा अनुसार हमारे घर की दुर्गा पूजा में हर साल ढोल बजाती थी। नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं। वेद, मतलब ये सब तुम उनसे छुपाओगे? नहीं नहीं बुआ, मैं तो ये कह रहा था कि अभी बताने का क्या फायदा, अभी बताने की जरूरत नहीं, मैं खुद बाद में बता दूंगा। अगर अभी बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, सही कह रहे हो। तुम इन सब बातों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, रखती हूँ। अजीब बात है, बड़ी बुआ ने इस बात के लिए फोन किया। माँ, क्या कहा वेद ने? समझ आ गया कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। हाँ, एकदम ठीक। शादी में अब जो होगा तुम वो सोच भी नहीं सकती। उस जमुना पर केदार राय ने बहुत भरोसा कर लिया है, बहुत भरोसा। इस बार जमुना की असलियत ही गीत की शादी टूटने की वजह बनेगी। सबका सर झुका दूंगी मैं। केदार राय सर झुका कर खड़े रहेंगे क्योंकि मेरे सगे भैया होकर भी केदार राय ने सबके सामने मेरे पति को बेइज्जत किया है, सबके सामने, और एक रास्ते की लड़की को लाकर जहाँ बिठाया है उसकी कीमत केदार राय को चुकानी होगी, जरूर होगी। आप बिल्कुल मत सोचो माँ, मैं आपके साथ हूँ, पापा भी आपके साथ हैं माँ। आप ऐसा कुछ करो जिससे उस जमुना को मुंह तोड़ जवाब मिल जाए। क्या हुआ, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? उधर सब मस्ती कर रहे हैं, चलिए। क्या हुआ है? हाँ नहीं, कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं, आपका चेहरा उतर गया है, बताइए मुझे। मन बहुत ही उदास है, कुछ ही दिनों में गीत चली जाएगी। वो तो जाएगी, लड़कियां तो पराया धन होती हैं, यही तो नियम है। मुझे तकलीफ नहीं हो रही है क्या? माँ हूं मैं, लेकिन मैंने तो अपनी तकलीफ छुपा रखी है। मैं बिल्कुल भी आंसू नहीं बहा रही। मुझे रोते देख गीत और ज्यादा टूट जाएगी, है ना? मैंने अपनी सारी तकलीफ दबा के रखी है, और अगर आपने आंसू बहाए तो फिर आप देखना गीत शादी ही नहीं करेगी। वो इतनी जिद्दी है कि वो शादी ही नहीं करेगी। आप सुनिए ना, आप प्लीज इतना दुखी मत होइए। गीत के जाने के बारे में सोचते ही मुझे किसी और का चले जाना याद आ रहा है अनुराधा। आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? तुम समझ नहीं रही? मैं कुछ समझना नहीं चाहती, मुझे कुछ नहीं समझना। आप वो बात बिल्कुल मत उठाना, चुप, बिल्कुल नहीं। लेकिन अनुराधा, मैं जानना चाहता हूँ कि वो अभी है कहाँ? नहीं, मैंने मार डाला उसे, अपने मन से मार डाला है उसे। मैं नहीं जानती वो जिंदा है या नहीं, मैं नहीं जानती। मैंने मार डाला है उसे। अनुराधा चुप, 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 बिल्कुल चुप।
एकदम चुप। इस बारे में अब बात नहीं होगी। कल गीत की हल्दी है, आप मेहरबानी करके इस बारे में कोई बात मत कीजिए। लेकिन अनुराधा, मैं कौन कौन है वहां? भैया, ओ तुम हो, तुम यहां कैसे? हाँ भैया, वो मैं यहां खड़ा था। छुप के हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं, मैंने कुछ सुना नहीं भैया। मैंने कुछ नहीं सुना भैया। वो एक्चुअल में मैं यहाँ पर ये कहने आया था कि भैया, शादी में तो बहुत सारे काम होते हैं ना, इसलिए मुझे भी कोई काम बता देते तो मैं भी सबके साथ मिलकर काम कर लेता। मैं फिर से अपनी इज्जत वापस पाना चाहता हूँ। वो क्या है भैया, मैं कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बस एक यही रिक्वेस्ट करने आया था आपसे। जमुना के पास जाओ, वो तुम्हें बता देगी तुम्हारे लिए क्या काम है। अच्छा ठीक है, मैं जाकर उससे पूछ लेता हूँ। वैसे भी अभी सब कुछ उसी के हाथ में है और आप भी उस पे बहुत भरोसा करते हैं ना? हाँ करता हूँ। ठीक है। प्रशांत पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ करेगा। इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। आइए 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 आइए, अरे आओ ना, आइए आइए। अरे ये क्या, कौन आया है? आओ 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 ना आओ। ताऊ जी, दादी, अरे कहाँ गए सब लोग? आओ ना। अरे फूफा, क्या हुआ? अरे फूफा जी आइए ना। अरे हुआ क्या, बताओगी भी? अरे आइए जल्दी। बताओ तो। अरे धीरे क्यों चल रहे हैं, जल्दी आइए, चलिए। अरे अरे क्या बात, क्या है? बात, तुम खुद आए हो? क्यों क्यों तुम्हारी हल्दी नहीं हुई है क्या? मेरी हल्दी हो गई, मैं हल्दी देने आया हूँ। पर दूल्हा खुद आया है। अब मुझे रुको रुको, एक मिनट एक मिनट। अरे कहाँ गए सब लोग? अरे जल्दी जल्दी आओ, देखो तो यहाँ पर क्या हुआ है, जल्दी आओ। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम खुद हल्दी लेकर यहाँ आए हो। भाभी भाभी कहाँ गई भाई? भाभी भाभी, ए देखो भाभी आ गई। भाभी क्या हुआ? देखिए इधर कौन है, देखिए कौन आया है। हाँ वी तुम तुम खुद? अरे बेटा तुम खुद हल्दी लेकर आए हो? हाँ वही तो। अच्छा, दुल्हा खुद दुल्हन के लिए हल्दी लेकर आया है, ये मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बाहर से ही जा रहा था, वो तो छाया दी ही मुझे अंदर ले आई। हाँ देखिए ना, आने में शर्मा रहे थे। ओह शर्माना क्यों है? असल में घर में सब उम्र में बड़े हैं, अब ताया जी माँ और पापा के हाथों तो हल्दी भेज नहीं सकता था, इसीलिए ये मैं खुद देने यहाँ आ गया। नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता दूल्हा खुद। हा? अरे कहाँ हो सब लोग, जल्दी से आओ, यहाँ आओ, आकर देखो। बाप रे बाप, दूल्हा खुद लेकर आया है हल्दी। क्या हुआ है भाभी? मैं सही कह रहा हूँ, लाइफ में मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। बाप रे बाप, माँ माँ कहाँ है? माँ माँ देखिए देखिए ये कारनामा देखिए, दूल्हा खुद हल्दी लेकर यहाँ आया है, समझ रहे हैं आप? हैं? ये क्या हल्दी लाए हो, या फिर हल्दी के बहाने से मेरी पोती की हल्दी देखने आए हो? बिल्कुल सही। ए? ना 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 ना, दुल्हन को शादी से पहले तुम नहीं देख सकते, मतलब दुल्हन को शादी से पहले देखना नॉट अलाउड। नॉट अलाउड मतलब नॉट अलाउड। सुनो ये हल्दी दे दो और निकलो। ठीक है फिर मैं। अरे नहीं नहीं, ए, चुप रहो। अरे नहीं नहीं, अरे ये जाएंगे क्यों, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वेद तुम जरा रुको। हाँ माँ आप हटिए जरा, वेद मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ दुल्हन की हल्दी देख कर ही जाना। हाँ
नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा। अरे पर क्यों? चले जाओगे मतलब? हाँ ये क्या, चले कैसे जाओगे? अब इतनी सालियों को छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? नहीं 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 बिल्कुल नहीं जा सकते। सुनो सब गेट बंद करो, कहीं नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे मतलब? मतलब कुछ नहीं, अब आ ही गए हो तो शादी करके ही जाना। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा छोड़ो ना ये सब, तुम सब मिलकर इसको क्यों छेड़ रहे हो? अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो, रोको मत इसे, जाने दो इसे, जाने दो। अरे हाँ जाएंगे ना, लेकिन अब जब ये यहाँ आ ही गए हैं तो मुंह मीठा करके जाएंगे ना। नहीं नहीं मैं कुछ खा नहीं सकता, असल में मेरी बुआ दादी बड़ी सख्त हैं, उन्होंने मना किया है, अगर कुछ खाया तो बहुत डांट पड़ेगी, अब शादी के दिन व्रत रखने को कहा है, ऐसे में कुछ खा नहीं सकता। माँ सुनो ना, कुछ खाने को तो बहुत भूख लगी है। हाँ? ये क्या? ये देखो महिला राक्षस खुद आ गई। आप तो चुप ही करो चाचू। माँ आप जानती हो ये एक कटोरी पास्ता लेकर बैठी थी, इसे खाना था, मैंने खाने नहीं दिया, बताया आज उपवास है। तुम ज्यादा बकवास मत करो भैया। नहीं नहीं इसमें बकवास करने की क्या बात है, कल सारा दिन तूने इतना कुछ खाया तो वो सब खाया हुआ गया कहाँ? देखो ना माँ ये सब मुझे कितना परेशान कर रहे हैं, मुझे भूख लगी है। देखो तुम सब मिलकर मेरी पोती को परेशान क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं माँ आप क्या बोल रही हैं, कल दिन भर बस ये खाती ही रही, एक इंसान भला इतना खा सकता है क्या? क्या नहीं खाया इसने? पूरी खाई, सब्जी खाई, पेस्ट्री खाई, हैं? पेस्ट्री हाँ, फ्राइज खाए, हैं? उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स भी पी, दिन भर बस खाती ही रही, कोई इंसान तो पागल हो जाए इतना खाते खाते। उसके बाद माँ ने खिलाया, दादी ने खिलाया, उफ मतलब बोलने से क्या होगा, जाने दो जाने दो। हाँ, वही तो, इतना खा के आज फिर क्यों खाएगी? हाँ मुझे ये सब नहीं पता, प्लीज माँ मुझे कुछ खाने को दे दो। नहीं गीत तुम सीरियस हो जाओ, देखो वेद कितना सीरियस है शादी को लेकर, इसने कुछ नहीं खाया है। ओह तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं वो मतलब हल्दी देने के लिए कोई था नहीं तो मैं आ गया। अच्छा तुम लोग इसे परेशान मत करो। वेद बेटा तुम यहीं थोड़ी देर रुको। हाँ छाया इसका जरा मुंह मीठा करा देना, हमारे हल्दी का समय निकला जा रहा है, आ जाओ। आओ तुम सब आओ, दो मुझे आरती की थाली दो। चलो तुम सब भी आ जाओ, माँ आइए गीत को लेकर आओ। हाँ चलिए माँ चलिए, अरे तुम लोग भी आओ आओ आओ, आओ चलो चलो चलो। हाँ चलिए चलो मस्ती करेंगे और आ जाओ। ए, तुम लोग सुनो। हाँ? मैं कह रहा था कि हाँ? जीजा जी कहीं भाग ना जाए, ध्यान रखना। अरे अरे हमें हल्दी भी तो देखनी है, जाते हैं तो जाए, हमें क्या, चलो चलो। हाँ सुनो, हाँ चलो चलो। छाया दी दूल्हे का मुंह मीठा करा दो। अभी भी समय है, बड़ी बुआ। किस समय की बात कर रही हैं आप? सोच लो एक बार और सोच लो, तुम शादी करने आ रहे हो, दुल्हन को लेकर जा पाओगे ना? दुल्हन को लेकर जा नहीं पाऊंगा, क्यों? नहीं असल में एक शादी के घर में ना तरह तरह की बातें होती हैं। कौन सी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी ये तो हमें नहीं पता। माफ करना आप बार बार एक ही बात बोल रही हैं, प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? कुछ नहीं होगा। बैठो 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 बैठो। नहीं नहीं बैठूंगा नहीं, ये हल्दी कहाँ हो रही है? अब हल्दी हमारे घर के पीछे गार्डन में हो रही है। ठीक है मैं वहीं सबसे मिलके निकल जाऊंगा, और मुझे रेडी भी तो होना है, बारात का भी वक्त हो रहा है, चलता हूँ।
बाप रे, नाटक। दूल्हा खुद ही हल्दी लेकर आया है। जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। छोटी भाभी, जीवन में आपने बहुत कुछ नहीं देखा, लेकिन वो सब अब आप देख लेंगी। तुम क्या करना चाहती हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है, सच सच बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो। आप नहीं समझोगे। कहते हैं कि नारी की बुद्धि तूफानी होती है। तूफान देखेगी अब जमुना, तूफान। क्या कर रही है ये सब? गिफ्ट्स तैयार करने हैं। गिफ्ट्स तैयार करोगी तुम? पर क्यों? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, और लोग भी तो हैं इस काम के लिए। हाँ, तुम्हारी शादी में कोई कुछ करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा, बस किसी तरह खाना पीना करके शादी निपटा देंगे। जो भी करेंगे तुम्हारे यही माँ बाप ही करेंगे। दरअसल केदार राय की बेटी है ना, तभी हवा में उड़ रहे हैं सबके सब। पर तुम ये सब क्यों कर रही हो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। पर माँ, मैं भी क्या करूँ? मैं क्या सबसे ये कह दूँ कि मैं कोई काम नहीं करूँगी? क्या सोचेंगे सब? गीत आखिर है तो मेरी बहन ही ना। बहन, सही कहा। तो तुम्हारी इस बहन की शादी आखिर में पूरी हो तो जाएगी ना। माँ, क्या बोल रही हूँ आप? चलो छोड़ो, जाने दो। जाओ, जाकर गिफ्ट्स पैक करो, अच्छे से पैक करो, जाओ। एक मिनट सुनो। अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा नहीं करते, चलो अब हंस दो। अच्छा, कितने ट्रे हैं गिफ्ट्स के? गिफ्ट्स ट्रे यही कोई 150 के आसपास। उस कमरे में 50 है और दूसरे कमरे में भी 50। अच्छा ठीक है, गिनने की जरूरत नहीं है। तुम बस एक काम करो, मेरे लिए भी एक ट्रे रख दो। एक गिफ्ट का ट्रे मैं भी सजाऊंगी। आप सजाएंगी ट्रे? एक गिफ्ट का ट्रे मैं भी सजाऊंगी। तुम सच में ये करोगी? लेकिन तुमने अभी तक इस शादी में कोई काम तो किया ही नहीं है। करूंगी ना, अब मैं जरूर करूंगी। बिल्कुल सही सुना, एक ट्रे मैं सजाऊंगी, एक गिफ्ट का ट्रे मैं सजाऊंगी, और उसी ट्रे में केदार राय ने बहुत ही विश्वास के साथ गीत की शादी की जिम्मेदारी जमुना को दी है। आंखें बंद कर, और अब केदार राय देखेंगे, अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे कि उस जमुना की वजह से कैसे उनकी बेटी की शादी का तमाशा बनता है। हाँ देखो ना, सचमुच देर हो गई है। सही कहा, इतने काम पड़े थे कि समझ ही नहीं आया। अरे बाप रे भैया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और सुनिए ना, आज आपको जमुना खाना नहीं दे पाएगी। अच्छा। और आज आपको पहेली काका और छाया दीदी खाना खिलाएंगे। जमुना जल्दी चलो ना। मैं ये कह रही थी कि मैंने सबके खाने की व्यवस्था तो कर दी है, और बाकी सभी बाहर खा रहे हैं, पर आपके खाने के लिए मैंने टेबल पर इंतजाम किया है। मैं जानता हूँ जमुना, तुम्हें जो मैंने जिम्मेदारी दी है वो सारे इंतजाम तुम अच्छे से ही करोगी। लेकिन आज मैं यहाँ तुमसे कुछ और ही बात करने आया हूँ। ये देखो, जो भी बोलना है जल्दी जल्दी बोलो ना, अभी हम लोगों को जाके अच्छा, तैयारी अच्छा, भी करनी है। जल्दी है, बोलो बाबा, ना, समझ जाने दो। जमुना, तुम एक काम करो, ये सारी चीजें बुआ को दे दो। जमुना को मैं अभी भेजता हूँ। आप ले जाएंगी ना? जल्दी जल्दी दे दो। हाँ, तुम जल्दी से बातें करके आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, मैं भेजता हूँ उसे। जमुना जी। पापा बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये बैग तुम संभालो। क्या है इसमें पापा? इसमें 10 लाख रुपए रखे। तुम्हें पैसों की जब भी जरूरत पड़े इन्हीं में से लेकर खर्च करना।
पापा इतने पैसे आप मुझे संभालने के लिए मत दीजिए, आप अपने पास रखिए, मैं आपसे ही ले लूंगी। मेरे बेटे और बहू के होते हुए अब मैं शादी की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा, अब ये सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। पापा लेकिन ठीक है तो अपने बेटे को दे दीजिए ना। अरे नहीं नहीं, उसे इन सब की समझ कहाँ है। हाँ वो बाहर के कुछ काम हो या मेहनत का काम हो तो वो कर लेता है, लेकिन रुपए पैसों का हिसाब किताब नहीं, पैसों का हिसाब किताब मैं उसे नहीं दे सकता। लेकिन पापा अब इतने सारे पैसे मेरे पास, मतलब मेरी बेटी की शादी की जिम्मेदारियाँ तुमसे अच्छा दूसरा और कोई भी नहीं निभा पाएगा जमुना, मैं ये जानता हूँ। अरे बस 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 बस, अब इस पे पैर छूने की क्या जरूरत थी। आपके आशीर्वाद की तो बहुत जरूरत है। अच्छा अब मैं जाऊँ पापा, बहुत देर हो गई है, गीत बहुत देर से इंतजार करिए, नाराज हो जाएगी। हाँ, बेटा जाओ तुम जाओ और जाके गीत को तैयार करो। क्या बात है बताइए तुम। आप क्या घर संसार को छोड़कर काशी हिमालय बसने का प्लान बना रहे हैं? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? नहीं, अब जमुना पर सारी जिम्मेदारियां डालकर खुद पल्ला झाड़ रहे हैं, उससे तो यही लगता है। मैं आज तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए। तुम्हारी नजर पारखी है, घर के लिए बहू का चुनाव तुमने बहुत अच्छा किया है। तो फिर सुनिए, घर की औरत की बात भी सुननी चाहिए, समझ गए आप, एटलीस्ट घर गृहस्थी के मामले में। अच्छा अब चलिए, भी बहुत देर हो गई है, कुछ खा लीजिए। हाँ, चलो चलो चलते हैं। अरे इतना दौड़ के कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा वहाँ दाल लेकर के जाना है ना। हाँ, अरे जाओ, बाबा जाओ, जल्दी जाओ। देखा अनुराधा, बहुत मेहनती है ये। छोटी बुआ उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक दूसरे को देखते हैं। अच्छा, अरे वाह, उसके बाद क्या मतलब, फिर आगे की बात भी तो आप लोग यहाँ क्या? अरे अरे, ये लड़कियों के तैयार। अरे अरे, तो क्या हुआ? अरे हमें भी देखना है क्या हो रहा है। जाइए, कोई जरूरत नहीं है, जाइए यहाँ से। अरे सुनो तो, लेकिन क्या कर रहे हैं आप? सुनो कामिनी, तुम अपने पति और भैया को यहाँ से जाने के लिए बोलो, देखो ना मान नहीं रहे। छोटे भैया जाइए ना यहाँ से। चाचा जी, छोटे फूफा जी, आप दोनों इस कमरे में क्या करें, चलिए जाइए यहाँ से। अरे इधर आओ जरा। बोलिए। नहीं नहीं, ये तो वही बात हुई ना कि मेरी बिल्ली और मुझे को म्याओ। मतलब नहीं नहीं, इस घर में तुमसे ज्यादा बातें कौन करता है? मैं ही ना, तुम्हारी साइड में हमेशा कौन खड़ा रहता है और मुझे ही तुम जाने को कह रही हो? वाह 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 वाह। अरे मेरा वो मतलब नहीं तो था, मैं था? तो बस ये कह रही हूँ कि हर समय महिला मंडल में रुकना अच्छा नहीं है। अरे अरे प्लीज, आप जाइए यहाँ से। सुनो पल्लवी श्री, धक्का देकर दोनों को निकालो यहाँ से, जल्दी निकालो। उफ, ये लोग भी ना मान नहीं रहे। अरे मैं यही होने दूंगा। अब देखना तुम लोग, शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन के साथ सभा बैठेगी ना, तब कौन रंग जमाएगा देखना। चाचा जी सुनिए, आप गुस्सा मत कीजिए। हाँ नहीं नहीं, मैं गुस्सा कहाँ। शादी के बाद की महफिल में अगर आप नहीं होंगे तो महफिल कैसे जमेगी बताइए। तो अगर ये बात सबको पता है तो फिर तुम क्यों हम दोनों को यहाँ से जाने को कह रही हो, बताओ। ठीक है हम चले। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, एक बार दुल्हन तैयार हो जाए उसके बाद आकर देखिए और बताइए कैसी लग रही है। ठीक है, तो फिर तुम एक काम करो, तुम एक बढ़िया सा शादी का गाना सुना दो। यस, एक गाना। उफ, इस वक्त गाना गाना गाएगी तो गीत को तैयार करने में देर हो जाएगी। अरे बाप रे, ये कौन है? हैं? अरे वाह, मेरी बीवी। मेरी बीवी का चेहरा तो देखो, जैसे बेला हुआ पराठा। हटो यहाँ से। अरे बिल्कुल बकवास मत कीजिए, मेरा चेहरा बेला हुआ पराठा जैसा है? अरे नहीं बाबा नहीं, तुम्हारा चेहरा बेले हुए पराठा जैसा नहीं, पता है कैसा लग रहा है, जैसे पूरे संसार का मेकअप तुमने आज ही खत्म कर दिया है। चाचा जी, आप चाची जी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? सच में छोटे भैया, आप हमेशा छोटी भाभी के पीछे पड़े रहते हो। ये हर वक्त ऐसा करते रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, छोटे मामा के लिए तो सबसे अच्छी बस जमुना ही है, बाकी सब तो खराब है। वाह, आखिरकार देर से ही सही पर तुमने एकदम सच बात कही है। हाँ, पता है ऐसी गुणी लड़की ना आजकल तो देखने तक को नहीं मिलती। मेरी धर्म पत्नी और उनकी माँ, मतलब दोनों हरदम ही रौद्र रूप में रहती हैं। देखो ना बीबी। अरे बाबा
सब लोग कहाँ हैं? तैयार हुए या नहीं? अरे बाप रे, आप सब यहाँ हैं? अरे खाना नहीं खाएंगे क्या? अरे हाँ खाएंगे, सुनो इधर, पहले हम सब इसका एक गाना सुन लें फिर खाएंगे। अच्छा गाना अच्छा। सुनने के बाद आप चले जाएंगे ना? प्रॉमिस कीजिए। चलिए पहले जमुना का गाना सुन ले, उसके बाद आप जाओ। ओहो जमुना, तुम इन दोनों को गाना सुना दो वरना ये लोग यहाँ से निकलेंगे नहीं और गीत को भी सजा नहीं पाएंगे। आपको गाना सुना ही डालो, बढ़िया सा गाना सुना दो, लेकिन एक बात है, जल्दबाजी में नहीं, आराम से गाना। अच्छा ठीक है चलो। गीत, मन में लड्डू फूट रहे हैं ना? लड्डू तो फूट ही रहे हैं, साथ ही बॉम्ब और डायनामाइट भी। हाँ, अरे वो वेद का ताऊ है ना, उसने जो भी अब तक किया है ना, इसे सब याद है। ये सूद समेत बदला लेगी, देखना। हाँ। तुम इसे पहचानते नहीं हो क्या? अरे चलो चलो चलो, बहुत जल्दी। हाँ, चलो, 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 चलो। हाँ, हम लोग आते हैं। अरे दीदी आप यहाँ पर क्या करिए, चलिए। हाँ मैं आ रही हूँ, तुम चलो मैं आती हूँ। चलिए भैया। क्या हुआ गीत, तुम्हारा दूल्हा तो आ गया है। हाँ, आप स्वागत नहीं करेंगे? स्वागत तो करूंगी गीत, पर मुझे ना बहुत डर लग रहा है जमुना की वजह से। क्यों गीत? बहुत डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि जमुना की वजह से तुम्हारी शादी ना टूट जाए। पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? पता नहीं मन इतना क्यों घबरा रहा है। बचपन से ही तुझे देखती आ रही हूँ, इतनी छोटी सी थी तुम, तुम्हें अपने हाथों से खिलाया है गीत। अगर तुम्हारी शादी टूट जाएगी तो फिर? पर आप ऐसी बातें क्यों बोल रही हैं? नहीं जानती, मुझे नहीं पता गीत। एक अनजान सा डर जो मुझे अंदर ही अंदर कहीं खा ही जा रहा है। बहुत बेचैनी हो रही है। जमुना को जगा दी है तुम लोगों ने, इस घर में एक ढोली की बेटी को, जमुना ढोली को, और ऊपर से ये सारी बातें, ये सब कुछ छिपा कर रखा गया है। ऊपर से तुम्हारा रोज रोज डिस्को जाना गीत, रेगुलर पार्टी लाइफ, रेगुलर लॉन्ग ड्राइव, वेद के साथ तुम्हारा लगभग छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर घूमने जाना, ये सारी बातें तुम्हारे ससुराल वालों से छिपाई गई हैं। और ये सब अगर उन्हें पता चल गया तो गीत, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे इस बात का डर लग रहा है कि ये सब बातें अगर सामने आ गई और उसके बाद, नहीं नहीं मैं जाती हूँ। ये सब क्या कह दिया बड़ी बुआ, ऐसा क्यों कहा? मेरी शादी टूटेगी क्यों? क्यों टूटेगी मेरी शादी? मैं तो वेद से बहुत प्यार करती हूँ, नहीं रह सकती मैं वेद के बिना। वेद भी मुझसे बहुत प्यार करता है। नहीं नहीं, कोई भी तो वजह नहीं है हमारी शादी टूटने की। ऐसे ही बेवजह शादी थोड़ी ना टूट जाएगी। और जमुना बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहती, उसने तो बल्कि सब जोड़ा ही है, अब भी वही कर रही है। हमारे इस परिवार को बहुत ही अच्छे से संभाल रखा है, एक धागे में पूरे परिवार को पिरो दिया है उसने, मोतियों की माला की तरह। एक सुंदर से धागे में पूरे परिवार को पिरो दिया है उसने।
माँ। हाँ। कहाँ जा रही है? मैं वो गिफ्ट्स देखने जा रही हूँ। अरे पर आप वो देखकर क्या करेंगी? एक खेल खेलूंगी। हाँ? अब असली खेल शुरू होगा रंजना। तुम्हारे बड़े मामा और बड़ी मामी की लाडली आंखों का तारा वो जमुना, और तुम्हारी नानी की तो जान से भी प्यारी है वो। इन सब ने जमुना को जो इतना ज्यादा सर पर उठा रखा है ना, ये लोग अब समझेंगे। इन्हें अच्छी तरह से समझ आएगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। रंजना तुम इधर आओ, इधर आओ। रंजना तुम्हारे बड़े मामा ने जमुना को शादी की जिम्मेदारियां दी है ना? हाँ। और इस बार इस जमुना की वजह से ही ये शादी टूट जाएगी। माँ। हाँ। उन्हें समझना चाहिए किसकी जगह कहाँ पर है, किसे क्या काम देना है और किसकी क्या योग्यता है। किसी भी अहरे गहरे को सिंहासन नहीं दिया जाता। उस जैसी कंकड़ पत्थर की जगह रास्ते में होनी चाहिए। उन्हें समझना होगा कि किसे सर पर बैठाना चाहिए और किसे नहीं, किसे सम्मान देना चाहिए और किसे। माँ, माँ आप ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे पापा का मजाक बनाकर रख दिया है। हाँ, वो चैन से सो नहीं पाते हैं। सुख चैन सब छीन लिया उनका। बहुत सताया है उसने। नहीं भूल सकती मैं कि वो बार बार कहते हैं कि उस जमुना ने सारे घर के सामने उनकी बेइज्जती की है, उन्हें जलील किया है। इसलिए मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अच्छा रंजना। जी माँ। उस जमुना का ढोल कहाँ है? ढोल, ढोल का क्या करेंगी आप? बस मुझे उसकी जरूरत है, जाओ जाकर ले आओ। पर माँ उसने वो ढोल कहाँ रखा है पता नहीं। मैं बता तो रही हूँ कि उसी कमरे में है, जाओ जाकर लेकर आओ। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं जा रही हूँ। आपको नहीं लगता कि आपको कुछ कहना चाहिए अपने घर के इस जमाई राजा को? इतने दिनों से दूध पिलाकर सांप चुपाल रहे थे। ए जमुना, तमीज से बात करो। मैंने कहा तमीज से बात करो। चुप। बिल्कुल चुप। अब तक तो यही सुना था कि चोर की माँ शोर मचाती, पर आज देख रही हूँ कि चोर की बीवी भी शोर मचाती है। जमुना ढोली, जमुना ढोली, तुम्हारा ढोल ही तुम्हारा सर्वनाश करेगा। माँ, आराम से आराम से। ये रहा ढोल, पर आप इस ढोल का करेंगी क्या? तक धिना धूम धूम, तक धिना धूम धूम, तक धिना धूम धूम। अब क्या बोल रही हैं, क्या करना चाहती हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रंजना नहीं जानते, वेद के घर वाले अब तक नहीं जानते कि जमुना का असली परिचय क्या है। नहीं जानते हैं वेद के पापा, ना ही वेद की माँ, और ना ही वेद की वो ताऊजी, और ना ही वो बुआ दीदी।